नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पड़ोसी परेशान करते हैं, पड़ोसी लड़ने आ गए हैं, पड़ोसी हमसे जलते हैं, पड़ोसियों ने हमारे काम रोक दिए, पड़ोसी जीने नहीं दे रहे, पड़ोसी हमारी खुशी नहीं देख पा रहे। भाई पड़ोसी हो गए या आपके दुश्मन हो गए? आपको मालूम है पड़ोसी ही सबसे पहले पहुंचते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई भी ऐसी दिक्कत हो, जहां आपके परिवार वाले शायद बाद में पहुंचेंगे, लेकिन आपके पड़ोसी पहले पहुंचते हैं। और ऐसे में पड़ोसी तो अच्छे ही होने चाहिए हमेशा। लेकिन अगर नेगेटिव भी है पड़ोसी तो करोगे क्या? क्या उनके घर में जाकर के उनको डांटना शुरू कर दोगे? आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दोगे? भाई हो सकता है वो पड़ोसी आपके साथ परेशानी है, उनको आपके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है वे सामने वालों के साथ भी झगड़ा करते होंगे। जरूरी तो नहीं है सामने वालों के साथ भी लड़ते होंगे। तो आपके साथ झगड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये कि दिक्कत कहीं ना कहीं आपके आसपास की है। अगर बाकी वालों के साथ वो बड़े खुश है तो इसका मतलब पड़ोसियों की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है या तो ग्रहों की है या कोई नेगेटिव ऐसी एनर्जी है जो आपके पड़ोसियों को आपके घर के आसपास आने से पहले ही नेगेटिविटी क्रिएट करा देती है। यानी वो कई बार अच्छे भाव से आपसे मिलना भी चाहते होंगे, बट आपको जैसे ही वो सोचते हैं कि हम इनसे बात करेंगे, पता चले कि सामने से लड़ाई आ गई, वार आ गया, या फिर उनका ही मूड खराब हो गया आपके आसपास पहुंचते। कोई नुकसान नहीं करेंगे आपके पड़ोसी आपको, पड़ोसी नुकसान करते ही नहीं है। सच बात बताई तो वो आपके सुख दुख का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जिसके चलते हमें पड़ोसियों से ही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको करना है क्या है, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में आपके घर का कूड़ा जो क्लटर निकालते हैं, कैसे कई बार क्या होते हैं हम लोग टूटी हुई घड़ियां और टूटा हुआ सामान जो है वो भी घर से निकालते हैं, और हर दिन कूड़ा तो निकालते ही है, गार्बेज जो निकालते हैं आप, वो देखिए कहाँ रखते हो आप। अगर मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है और आपके राइट में आपके पड़ोसी रहते हैं, या फिर आपके लेफ्ट में आपके पड़ोसी रहते हैं, या फिर आपके सामने, आजकल तो जो फ्लैट सिस्टम है वो आमने सामने भी घर होते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपने घर का कूड़ा निकालते हैं, घर की गंदगी निकालते हैं, तो आप रखते कहाँ हैं? अगर जिस तरफ आपके पड़ोसी होते हैं, अगर आप वो गंदगी उस तरफ रखते हैं, तो आपकी कभी भी उनसे नहीं बनेगी, वो चाहकर भी आपके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। आपको लगेगा हमारा बिगाड़ रहे, वो बिगाड़ नहीं रहे होते, लेकिन वो परेशान जरूर अंदर अंदर से इरिटेट हो रहे होते कि हमने इनके साथ नहीं निभानी, हमने इनके साथ बातें नहीं करनी, हमें इनके साथ कुछ नहीं रखना लेन देन। तो वो नेगेटिविटी जो क्रिएट होती है वो होती है आपके घर से निकाले गए कूड़े के द्वारा। और अब आती है बात कि ये तो हो गया कि क्लटर आपने निकाल दिया, टूटा हुआ सामान, खराब सामान, गंदा सामान, ये सब जब निकालते हैं तो वहां भी आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, टूटा हुआ सामान भी जिस तरफ पड़ोसी रहते हैं उस तरफ नहीं निकालना चाहिए, किसी दूसरी तरफ रख लीजिए, जहां पड़ोसियों का घर नहीं है वहां उस तरफ मत रखिएगा। तो सबसे पहले नेगेटिविटी जो है वो आप दोनों के बीच की ऐसे कंट्रोल हो जाएगी जिसके चलते आपको दिक्कत नहीं आएगी, पड़ोसी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। अब आती है कि बात ये तो हो गई आपकी कि नेगेटिविटी ना हो, लेकिन अब पॉजिटिविटी हम कैसे क्रिएट करें? पॉजिटिविटी क्रिएट करने का भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना। पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करें हम, क्या करें हम उसके लिए कि हमारी पॉजिटिविटी जो है वो अच्छे से बनी रहे और हमारा घर जो है सुरक्षित रहे, शांत रहे, और सामने वाले लोग हैं वो भी हमारे बारे में अच्छा अच्छा सोचे। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो ये करना है कि अपने पड़ोसियों की घर की तरफ आपने स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखिएगा, ये स्वास्तिक आपने जिस दिन भी बनाना है वो होना चाहिए सैटरडे का दिन, और बनाना भी है अपने टूवर्ड्स उस तरफ जिस तरफ आपके पड़ोसियों का घर है। बनाना अपनी ही दीवार के ऊपर है, कहीं दूसरों के दीवार पे मत बना के आ जाइएगा कि अच्छा जल्दी इफेक्ट करेगा, हम पड़ोसियों के उधर ही बना देते हैं जाकर के। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने ही घर की जो दीवार है
लेकिन वो दीवार पड़ोसियों की तरफ होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सटा हुआ घर हो। मतलब अगर मेरे राइट साइड में पड़ोसियों का घर है, भले ही सड़क पार है, तो वहां आपने राइट साइड को एक अपने घर की दीवार पर स्वास्तिक बना देना है। बनाना शनिवार को ही है, ये लगभग आपने 8 शनिवार उसी स्वास्तिक की जगह ही स्वास्तिक बनाना है, मिटाना नहीं है, अपने आप क्लीन होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसी के ऊपर बना दीजिएगा। तो 8 शनिवार आपने लगातार वहां स्वास्तिक बनाना है, एक और पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। अब आती है बात कि उस पॉजिटिविटी को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ताकि पड़ोसी वाकई ही हमारा कभी भी बुरा ना चाहे, अच्छा ही चाहे, इतनी चाहे हमारे साथ अच्छे से रहे, हम भी उनके साथ अच्छे से रहे। तो आपने तीसरा जो उपाय करना है, हर शनिवार को गुलाब के फूल ले लेने हैं या फिर गुलाब की पत्तियां ले लेनी है। अगर गुलाब के फूल है तो वो गुलाब के फूल टहनियों के साथ ही अपनी राइट साइड में टेप के साथ चिपका दीजिएगा, और अगर पत्तियां हैं तो राइट साइड में नीचे बिखार दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये उपाय भी आपने सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही करना है। हर शनिवार 8 शनिवार लगातार आपने ये उपाय, भाई रिश्ता अच्छा निभाना है तो थोड़ा सा खर्च तो करना ही पड़ेगा, गुलाब के फूल तो ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन आपको एक बात बताएं, आपके पड़ोसी कभी आपका बुरा चाह ही नहीं सकेंगे, वैसे चाहते नहीं है बुरा, लेकिन कई बार एक खिंचाव और तनाव ऐसा होता है कि जहां एक दूसरे के प्रति एक रंजिश सी पैदा हो जाती है, एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी सी आ जाती है, एक दूसरे के प्रति हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये इंसान जो है ये मुझे पसंद नहीं है, सुबह सुबह शक्ल देख के बाजी मेरा दिन खराब हो गया। बस हम अपने आप ही एनालाइज करना शुरू हो जाते हैं, भाई उसकी शक्ल तो बेचारे की अपनी शक्ल है, आपको नहीं पसंद है ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी शक्ल कोई चेंज नहीं हुई। अगर मैं ये कहूँ कि सामने मैंने उसकी शक्ल देखी, उसकी शक्ल ऐसी ही थी, अरे वो उसकी शक्ल पे कई सालों से ऐसी ही है, उसकी शक्ल में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ग्रह, हमारा ओरा, हमारी एनर्जीज कई बार इतनी लो होती हैं, इतनी डाउन होती हैं, कि जब भी हम किसी से टकराते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो हमें अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है, हमें अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग करना है कि सामने वाला पर्सन हमारे ऊपर नेगेटिविटी डाल ही ना पाए, हमें कोई इफेक्ट कर ही ना पाए नेगेटिव में, सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। तो कैसे लगे मेरे ये सारे उपाय आपको? आपने इस उपायों को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है, मेरी अगली वीडियो का भी आपने इंतजार करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, मेरी अगली वीडियो को आप इंतजार भी कीजिएगा। लेकिन पड़ोसियों के साथ लड़िएगा नहीं, झगड़िएगा नहीं, पड़ोसियों के ऊपर शक नहीं कीजिएगा, पड़ोसी अच्छे होते हैं, पड़ोसियों का चेहरा अच्छा होता है, उनकी एनर्जी अच्छी होती है, लेकिन कई बार हम लोगों की एनर्जी ही कुछ इस हद तक नेगेटिव होती है जिसका इम्पैक्ट दिन भर हमारे साथ रहता है। तो हमेशा अपनी मेन एंट्रेंस के आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, सुगंधित रखना चाहिए, कोई नेगेटिविटी ना क्रिएट करनी चाहिए और ना ही आपको कोई नेगेटिविटी छू पाए। इसके लिए आपने ये उपाय जरूर करना है ताकि आपके पड़ोसी हमेशा आपके रिश्तेदार से भी बढ़ करके रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।